बुलाते हैं देवदास की पारो और सुनीता जी को। हाय सुनीता, हाउ आर यू? फाइन। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। सुनीता, आपका पूरा नाम? सुनीता सिंह। आप कहाँ के रहने वाली हैं? काशीपुर नैनीताल से हैं। नैनीताल से हैं आप? सुनीता, आप क्या करती हैं? एक्टिंग करती हूँ। अच्छा, यस। एक्ट्रेस हैं आप? एक्ट्रेस एंड मॉडल। इनके साथ कौन सी फिल्म है? इनके साथ मैंने अभी एक गुड अर्थ फिल्म की थी। तो जो किसिंग सीन था वो इसी फिल्म में था, इन्होंने हमें बताया? नहीं, इनके साथ मेरा कोई किसिंग सीन नहीं था। आप बताए, देव आपके क्या लगते हैं? देव मेरा दोस्त है। लेकिन आप तो इनकी पत्नी है ना? नहीं, मैं देव की पत्नी नहीं हूँ। मैं सिद्धि विनायक हर मंगलवार जाती हूँ। अगर मंदिर में जाके कोई भी आपकी मांग में सिंदूर भर दे तो क्या वो आपका पति हो गया? कोई जबरदस्ती आप किसी को भी पति मान लोगे क्या? भरो मांग मेरी, भरो। अगर मुझे सिंदूर मांग में ही भरवाना होता तो मैं बाकायदा शादी करती हूँ। वो तो मैं आप दोस्त के नाते मैं उसको लेके गई थी, उसमें ये नहीं था कि मैंने शादी का तय कर लिया तो मैं उसको अपने घर पे लेके गई थी। अगर आप किसी को फ्रेंड लेकर गए, एज ए फ्रेंड में लेके गई थी। मैंने इसकी मांग में सिंदूर भरा और मैं इसे अपनी पत्नी माना और आज भी मानता हूँ। एक चुटकी सिंदूर लगाया और पत्नी बना ली। अगर सब लोग ऐसे करने लगे तो सारे पंडित भूखे मर जाएंगे जो इतने मंत्र पढ़ते रहते हैं। ऐसे कैसे कोई किसी को भी बोल देगा कि शादी की और सुहागरात मनाई, क्योंकि देव को बॉम्बे में सेटल होना है और मैं ऑलरेडी सेटल हूँ। मेरा रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जब देव, उससे पहले देव ने मुझे प्यार क्यों नहीं किया? सिर्फ इससे प्यार करता था और इसे बीवी मान बैठा था। डंके की चोट पे कह रहा है कि आपसे प्यार करता। तो डंके की चोट पे तो मैं भी बोल रही हूँ कि मैं नहीं प्यार करती उससे। और जो इसने शादी की नहीं मैं एक्सेप्ट करती, क्योंकि इसने शादी जो की इसने अपनी मर्जी से की, मेरी मर्जी नहीं थी उसमें। ये एक शूटिंग का सीन था। मतलब था? मतलब फिल्म का सीन है। फिल्म में तो किस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। जो आपकी स्क्रिप्ट की मांग होगी वो सब कुछ करना पड़ेगा। क्या इन्होंने पैसे मांगे कभी सुनीता? एक बार बोला था उसने तो मैंने सोचा था हो सकता है। कितने पैसे मांगे थे? ज्यादा नहीं मांगा था, 5 की बात की। 5,000? हाँ, ये नहीं कि उसने किसी वजह से मांगे हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकती है। सुनीता, आप क्या कहेंगी? क्या आपके भाई के डर की वजह से आप इनकी पत्नी मानने को तैयार नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने भाई से नहीं डरती, लेकिन देव की ही हरकतों से मैं देव से दूर होना चाहती हूँ। आपको क्या कहना है? वो मैं सुनीता जी को वही कहना चाहती हूँ कि सच्ची में आप इमोशनल है तो इस देव को माफ कर लीजिए और स्वीकार कर लीजिए, प्लीज। थैंक यू सो मच। मैं सुनीता की डांट देती हूँ कि ये महफिल में आके भी उसने बताया सब समाज को कि सिंदूर भरने से कोई शादी होती नहीं। जी बिल्कुल, आप सुन रही हैं सुनीता, आपकी दाद देती है आंटी। आपको पछतावा नहीं हो रहा है? चलो सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, माफी मांगो, माफी मांगो। पहले आप जो गंदी चीज आपने एक औरत को गाली दी है, आप कान पकड़ के माफी मांगो, दोनों कान पकड़ के। I'm sorry। जोर से सुनाई नहीं दे रहा है। I'm sorry।